आज के करंट अफेयर्स के सेशन में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, करंट अफेयर्स की ये मेरी क्लासेस आपकी परीक्षा वाले दिन काम आएंगी। परीक्षा में जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आएंगे। मैं बहुत मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर्स सारगर्भित होना चाहिए, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जितने भी करंट अफेयर्स की मेरी क्लासेस हैं, मेरे सेशंस हैं, वो आप जरूर करिए। अच्छा, करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी आप सभी का आ चुका है नया, तो मास्टर वीडियो सीरीज अलग सीरीज है, वो एक रिविजन सीरीज है, तो आप लोग मास्टर वीडियो भी करंट अफेयर्स का जरूर देखिएगा। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट के 2 से 3 जो लेटेस्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आप साल 1.5 साल के करंट अफेयर्स से तैयार रहेंगे। कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, एक बार करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो और करंट अफेयर्स का इंटायर वीडियो भी, करंट अफेयर्स की क्लासेज आपकी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के अलग अलग सेशंस होते हैं, तो आप लोग इंटायर वीडियो भी जरूर देखिए। उससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है खेल पुरस्कारों को लेकर के देखते हैं। एक पुरस्कार आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2023 के पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। मैं 2023 का पुरस्कार आपको बता रहा हूं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। ठीक है, दो व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये किसको दिए गए हैं, दो व्यक्तियों को। पहले पर्सन है चिराग शेट्टी, दोनों ही बैडमिंटन के लिए दिए गए हैं। पहली बात तो बैडमिंटन के लिए दिए गए हैं दोनों ही। पहला दिया गया है चिराग शेट्टी को, चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन प्लेयर हैं आपके। ठीक है, चिराग शेट्टी, और दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो बैडमिंटन के दो खिलाड़ी हैं आपके, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, इन दोनों को जो है प्रदान किया गया, ये आप देख सकते हैं फ्रेम में दोनों पर्सन हैं आपके, चिराग शेट्टी बैडमिंटन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों नाम आप लिख लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी अन्य पुरस्कार भी वितरित किए गए, बट मैं सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा। जैसे अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 दिए गए, अर्जुन पुरस्कार टोटल कितने दिए गए, ये भी खेल जगत का बड़ा पुरस्कार है। ये आपके 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी को मिला इस बार का अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और बाकी बहुत सारे नाम है। मोहम्मद शमी आप सभी जानते हैं, क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने, है ना, फास्ट बॉलिंग करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में है। अर्जुन पुरस्कार मिला था इस बार का मोहम्मद शमी को। और बाकी देखो नाम बहुत सारे हैं, वो लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा एक बार गूगल में सर्च करके। द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार 5 लोगों को मिला था। एक और पुरस्कार होता है जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनके लिए एक पुरस्कार रखा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सारे 2023 के पुरस्कार हैं, 2023 के लिए दिए गए, अभी 2024 चल रहा है ना आपका। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके जो है ये किसको दिए गए, 5 लोगों को। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया। एक आपके ललित कुमार हैं, ठीक है, नाम लिखना और लिख लीजिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है ना, इसमें 25 लाख रुपया मिलता है और साथ में एक प्रतीक चिन्ह मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया देते हैं, प्रतीक चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य में कई श्रेणियां हैं, एक लाइफ टाइम श्रेणी भी है और एक नियमित श्रेणी है, रेगुलर श्रेणी है। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार में एक तो नियमित श्रेणी में 5 लोगों को दिया गया है और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया है। चलिए, तो ये बेसिक पहले मेजर, मैं यहां पे खेल रत्न पुरस्कार ही आपको बताना चाहता था। एक पुरस्कार और आ चुके हैं, इनका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। 96 ऑस्कर पुरस्कार भी वितरित किए जा चुके हैं, 96वां ऑस्कर पुरस्कार का वितरण भी हो चुका है।
और इस बार का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, वो मिला है ओपेनहाइमर को। ये परमाणु बम जो आपका बनाने वाले हैं, परमाणु बम के जो एक तरीके से सृजक हैं, जो लीडर है अमेरिका का, जो पूरा परमाणु कार्यक्रम था उसमें ओपेनहाइमर ही थे। ये मूवी आप लोग जरूर देखिए, बहुत शानदार मूवी है ये, ठीक है, बहुत शानदार मूवी है। और ये उस समय की परिघटनाओं को दिखाती है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो है परमाणु कार्यक्रम अपना उसके पहले से ही चला रहे थे और परमाणु बम बनाया गया था ओपेनहाइमर के द्वारा, ठीक है। तो ओपेनहाइमर मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 96वां ऑस्कर पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, ये भी आपके ओपेनहाइमर के ही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपका ओपेनहाइमर को मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके क्रिस्टोफर नोलन, डायरेक्टर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, ये भी ओपेनहाइमर से है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को, किलियन मर्फी कौन है? जो ओपेनहाइमर में आपके जो है अभिनेता थे आपके, ये ओपेनहाइमर के लिए ही मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है एमा स्टोन को, ये अलग मूवी है, एमा स्टोन थी पुअर थिंग में, एमा स्टोन इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। पुअर थिंग करके एक मूवी है, पुअर थिंग, उसके लिए, पुअर थिंग्स के लिए मिला है, क्लियर, स्पष्ट है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिला है 20 डेज इन मारियोपोल, इसके लिए मिला है आपका 20 डेज इन मारियोपोल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपके कुछ पुरस्कार हैं, ऑस्कर पुरस्कार जो इस बार दिए गए हैं आपके, और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, ऑस्कर एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं पुरस्कार। सभी को क्लियर हो गया ऑस्कर पुरस्कार? देखो मेन इतना ही है, इन्हीं में से आएगा यदि पूछेगा कुछ भी तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 के 65वें रेमन मैक्सेस पुरस्कार, ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार रिवाइज कर लो आप लोग, 65वें रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 ये भी वितरित किए जा चुके हैं और ये चार लोगों को मिले हैं, टोटल चार लोगों को, जिसमें से एक भारतीय है हमारे, ये शायद आपसे पूछा जा सकता है, एक भारतीय है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है ये भारत के हैं और ये स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हुए हैं, ये आपके किससे जुड़े हुए हैं? स्वास्थ्य देखभाल से, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं आपके, रवि कन्नन आर जी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं भारत के, एक तो इनको मिला है। दूसरा मिला है यूजेनियो लेमेश को, ये है जो यूजेनियो लेमेश, ये तिमोर लेस्ते के हैं, कहां के हैं? तिमोर लेस्ते के, तो ये कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, बड़ा पुरस्कार है। ये है यूजेनियो लेमेश, यूजेनियो लेमेश कहां के हैं? तिमोर लेस्ते के, तो इनको 2023 का मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका मिला है, ये मिला है मरियम कोरोनेल फेरर को, ये फिलिस्तीन की है, वो माफ करेगा फिलीपींस की है, माफ करेगा फिलीपींस की, मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस की, मरियम कोरोनेल फेरर, ठीक है। ये युद्ध विवाद को सुलझाने के लिए फिलीपींस की है, ये युद्ध विवादों को रक्षा जो है एक तरीके से जानकार है, विशेषज्ञ है, स्ट्रेटजिस्ट है, ठीक है। तो मरियम कोरेल फेरल को मिला है, कोरोनेल फेरल को मिला है, ठीक है। और एक है आपके, ये आपके बांग्लादेश के, इनका नाम है कोरवी रच्छंद जी को मिला है, बांग्लादेश के शिक्षा और गरीबी के क्षेत्र में।
तो देखिए ये शिक्षा और गरीबी के क्षेत्र में है, कोरवी रक्षंद, सबसे नीचे आप जो फोटो देख रहे हैं कोरवी रक्षंद नाम है इनका, इनको रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला है। तो हमारे डॉक्टर रवि कन्नन आर जी को मिला है, हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा मिला है यूजेनियो लोमेश को, ये एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। मरियम कोर्नेल फेरल को मिला है, ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। और आपके जो कोरवी रक्षंद हैं ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके शिक्षा और गरीबी से जुड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, ये सारे मुद्दों पर दिया जाता है। ये भी रट लो भाई सभी लोग। सब लोग इसको लिख लिए सभी लोग। तो ये तीसरे हो गए 65वें रेमन मैक्सेस पुरस्कार, एक पुरस्कार जिससे आयोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब पता नहीं आयोग को क्या हो गया है, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है हर बार, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। फिल्म जगत के पुरस्कार हैं ये आपके। हाँ सभी लोग लिखते जाइए साथ साथ में। इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज जाननी है, जो अवार्ड में आपको बता रहा हूं, हाँ ये पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, ये मतलब हर बार क्वेश्चन आता है इसका, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये हर बार क्वेश्चन इसका आता ही आता है, और ये गोवा में ही होता है। पहले तो पूछ लेता है कहाँ हुआ, तो ये गोवा में ही होता है, ठीक है। 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में ही होता है, 20 से 28 नवंबर 2023 को हुआ, गोवा में हुआ आपका ये, ठीक है। इसमें अवार्ड जो होते हैं, जैसे गोल्डन पिकाक अवार्ड होता है इसमें, गोल्डन पिकाक अवार्ड, ठीक है। तो एक ईरानी फिल्म है इंडलेस बॉर्डर, उसको मिला है गोल्डन पिकाक अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है, एक ईरानी फिल्म है आपकी इंडलेस बॉर्डर। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 54वां है, 54, 53वां भी गोवा में हुआ है, 52वां भी हुआ है, 51वां भी हुआ है, 50वां भी है, 49वां भी हुआ है, जितने भी आप सोचो सब गोवा में ही होते हैं, ठीक है। तो गोवा में आपका, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में ये आपका हुआ, और गोल्डन पिकाक अवार्ड इंडलेस बॉर्डर को मिला, ईरानी फिल्म है आपकी इंडलेस बॉर्डर, ठीक है। और बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी पुरस्कार, मेरी फेवरेट वेब सीरीज है पंचायत सीजन 2 को मिला, पंचायत सीजन 3 भी आ चुका है, ठीक है, मैं भी पसंद करता हूं, मेरी पंचायत मतलब सबसे बेस्ट वेब सीरीज में से एक है, सबसे ऊपर रहती है टॉप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना भर क्लियर, और ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ये पुरस्कार भी आपका होता है आईफा पुरस्कार, हर साल होता है आईफा पुरस्कार भी, ठीक है। 23वां आईफा पुरस्कार हुआ था अभी, आईफा अवार्ड, ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं, फिल्म जगत के विशेष पुरस्कारों में से एक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था दृश्यम 2 को, 23वां आईफा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, दृश्यम 2 को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, विक्रम वेधा करके एक मूवी आई थी, उस मूवी के लिए, विक्रम वेधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी एक मूवी आई है, और
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर माधवन को मिला है रॉकेट्री के लिए। द नंबी इफेक्ट करके इन्होंने एक मूवी बनाई थी रॉकेट्री, बहुत शानदार मूवी है। नंबी दुराई जो है भारत के बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने विकास इंजन को बनाया उसके ऊपर जो है इन्होंने मूवी बनाई है। उनके लाइफ और उनके जीवन से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी वो सब चीजों को वहां पे दिखाया गया, उनके स्ट्रगल संघर्ष सभी को दिखाया गया है। तो आईफा अवार्ड में एक तो दृश्यम 2 ठीक है सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन। तो ये आईफा अवार्ड हो गए आपके ठीक है। और 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये आपका गोवा में हुआ है। इसके बाद ये रेवन मैक्सेस पुरस्कार आपके हो गए। इसके बाद ऑस्कर मैंने आपको बता दिया, 96वां ऑस्कर पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। और ये याद रखिएगा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 आपको चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी इनको मिला है। ये करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, याद कर लो, इनमें से आपको ये मान के चलो मेरे हर सेशन से एक दो क्वेश्चन आपके निकलेंगे। ऑस्कर पूछ सकता है, मेजर खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो मैं चुन के लाता हूं आपके लिए ठीक है, चुना हुआ करंट अफेयर्स है। चलिए